आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी बोले, ये सोते हुए सपने देखने का नहीं, इनोवेशन का है समय। किडनैप किशोर को लेकर भारतीय सेना ने चीनी सेना से किया संपर्क, कहा प्रोटोकॉल के तहत भेजे वापस। पहले वनडे में कप्तानी करने के साथ केएल राहुल ने कर दी वीरेंद्र सहवाग की बराबरी। फिर शुरू हुआ B777 का संचालन, 5G विवाद के चलते एयर इंडिया ने रद्द की थी यूएस जाने की उड़ान। महाराष्ट्र में कोरोना के 43,000, कर्नाटक में 40,000 और दिल्ली में 13,000 से ज्यादा नाम मिले मामले। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों पर। अलीगढ़ में से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़राना के ग्रामीणों ने भाजपा विधायक और प्रत्याशी अनिल पराशर पर भेदभाव का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जात पात देखकर विकास कार्य करते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी रोष है। एक तरफ जहां भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, तो वहीं दूसरी ओर उनके विधायक उनके इस नारे पर पलीता लगाते हैं। ग्रामीणों ने कहा, केवल समाजवादी पार्टी की ही विकास नहीं करती है, उसी का उनको विश्वास है। इस बार विकास के लिए सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। यहाँ विकास हुआ ही नहीं है यहाँ पे। हाँ। पहले आप देखो, मैंने एस्टीमेट बनवा दिया, अभी आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद ये काम हो जाएंगे। हम साइकिल को आपको सपोर्ट करेंगे, आप चिंता ना करिए। मेरी तो कोई कमी नहीं है, मान लो मेरे काम को रुकवा दिया जाता है 20 से 20। किसने रुकवा दिया था? पहले कई बार रुकवा दिया है। किसने रुकवा दिया? ये बीजेपी सरकार ने। अब देखो, ये आचार संहिता के बाद ये काम हो जाएंगे। पानी भर जाता पूरे चौमासे में। हाँ। लिखने को परेशान है, बरात लिखने को परेशान है, बीजेपी वाले और पानी भर जाता, लिखने को परेशान है। नल खराब पड़ो हमारा, पानी भर में कहाँ जाए, हम घर डूबो हमारा, बच्चन के पाँव सड़ गए, हमारे पैर सड़ गए सबरी। विधायक जी तो कह रहे हैं कि विकास कराया हमने गांव। विधायक जी बाहर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम लिखरवे को परेशान है, बहुत ज्यादा हालत खराब है हमारी। तो इसकी शिकायत आपने विधायक जी से बहुत सर गई बाद ना कपड़ा पानी भरता में टंकी। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर दो सेवादार साधु हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 जुर्माने की सजा मिली है। दो सेवादार साधु की हत्या मामले में फैसला आया है, वहीं आरोपी मुरारी को आजीवन कारावास सुनाई गई है। एडीजी ज्ञान प्रकाश तिवारी और न्यायालय अनूप शहर ने इस मामले में फैसला सुनाया है। बता दें कि 4 अप्रैल 2020 को अनूप शहर के पगोना गांव में दो सेवादार साधुओं की हत्या हुई थी। साधुओं की हत्या की इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। ये मामला वर्ष 2020 का था, जो घटना का दिनांक था वो 28/4/2020। ये सुबह की घटना थी, एक अनूप शहर थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है पगौना। पगौना में दो महात्माओं की हत्या की गई थी। हत्या करने वाला भी उसी गांव का था, मुरारी उर्फ राजू, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने उसको दोषित करते हुए आजीवन कारावास। फरुखाबाद में आदर्श आचार संहिता लगे होने के बावजूद दबंगों पर आतंक जारी है। दरअसल भाजयुमो मंडल अध्यक्ष की कार पर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष का आरोप है कि उन पर जान से मारने की नीयत से दबंगों ने हमला किया था। दबंगों ने कार पर भीमसेन मार्केट से लेकर बद्री विशाल डिग्री कॉलेज तक कई राउंड फायरिंग की है। कार सवारों ने मोहल्ला गंगानगर में घुसकर जान बचाई। पीड़ित की रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी गई है। हम लोग आ रहे थे फरुखाबाद में, तो ये भोलेपुर क्रॉसिंग के पास में पड़ता भीमसेन मार्केट, वहाँ पर लगभग 7-8 बाइक थी, 7 हों 8 हों। तो उन्होंने हम लोगों को हमारी गाड़ी ओवरटेक की, उनका गाड़ी रोको, तो हम लोगों ने क्योंकि ड्राइवर साइड में भी बाइक थी और अपोजिट साइड में भी बाइक थी, तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी नहीं। हम लोग गाड़ी धीरे धीरे ले जा रहे थे, तब तक एक बहुत तेज आवाज़ हम लोगों लगा, इन लोगों ने पत्थर मारा गाड़ी में, गाड़ी फिर हम लोगों ने थोड़ी तेज की, तब तक फिर उसने सीधे उसने फायर मारी और फायर मारने के बाद
एक ड्राइवर साइड में आया और एक ड्राइवर के अपोजिट साइड में, इधर से भी फायर कर रहे थे उधर से भी फायर कर रहे थे कंटिन्यू वो लोग, जिसमें एक जो लड़का था उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते भी हैं, जिसका नाम प्रशांत यादव है, भोलू यादव भी उसको कहते हैं, और जो ठंडी सड़क पे उसका घर है और उसके अन्य साथी भी थे लगभग 10-12-13 जो भी। खबर फतेहपुर से है जहां पर गैस चूल्हे में खाना बनाते समय आग लग गई। आग लगने से बच्चा समेत 5 लोग आग से झुलस गए हैं, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को इलाज के लिए भेजा गया। ये मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदपुर थाना क्षेत्र का है। हरदोई में ब्लॉक कोथावा के ग्राम पंचायत नेवादा के माजरा धरौली और पुरवा में बने गौशाला में ग्राम प्रधान अपनी मनमानी कर रहा है, जिसकी शिकायत पर कई बार उप जिलाधिकारी संडीला और जिलाधिकारी से भी शिकायत की जा चुकी है, उसके बावजूद भी प्रधान पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जहां योगी जी एक तरफ भ्रष्टाचार प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा के विकास का पैसा जो भी आता है कुछ पैसा विकास के लिए लगाया जाता है। जानवर के विषय, जानवरों की समस्या के लिए हैं, जानवरों के विषय में क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? रात को 12 बजे तक बचाता हूँ, फिर भी गोरू चर जाते हैं। यहाँ गौशाला बनाए वो भी सही नहीं बनाए। किसकी सूचना आपको, आपने किसी को दी, अधिकारी को? अधिकारी का सब सूचना चल रही है, खम्भे में गड़ गए हैं, उसमें कोई मरम्मत ही नहीं है। प्रधान आया आपके पास? प्रधान का यहाँ झक ही है यार, प्रधान उगते ही नहीं। प्रधान ने आया, वही का नुकसान हुआ, वही का सरकार देते है, वही का सरकार देते है। तो प्रधान से आप लोग आक्रोशित है हमको लग रहा है। कन्नौज में एक बार फिर से सपा कार्यकर्ता की ओर से बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य को जान से मारने की धमकी दी है। वार्ड नंबर 18 से बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र शाके को सपा कार्यकर्ता राहुल यादव और विवेक कुमार के तरफ से भूपेंद्र शाक के मोबाइल पर गालियां दी। उसके बाद भूपेंद्र शाक को आरोपी राहुल परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी राहुल के ऊपर कई संगीन धाराओं में पहले से मुकदमा दर्ज है और कई बार राहुल जेल भी जा चुका है। फिलहाल अभी राहुल जमानत पर बाहर चल रहा था। जमानत पर बाहर आते ही राहुल ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ऐसा एक माहौल क्रिएट है कि साग की जाति को किसी भी तरह से अगर हम लोग राजनीतिक मजबूती पे आए हैं तो ये अभी 2-4-5 दिन पहले हमारे समाज के एक बड़े माननीय मंत्री जी भाजपा छोड़ के गए हैं तो उसी के एक विपरीत एक हमारे सौरिक थाने का एक गुंडा है और राहुल यादव एसटी सीटर के नाम से उसे लोग जानते हैं, तो वो मेरे घर पे मुझे धमकाने गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में नहीं आओगे तो फिर मैं तुम्हें। लखीमपुर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में 143 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। कोरोना में कुल कोरोना केसों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है, जिनमें 197 कोरोना केसेस की रिकवरी हुई है। इसके बावजूद भी जिले बाजारों और चौराहों बस स्टेशनों पर भीड़ देखी जा रही है, लोग कोविड-19 नियमों का पालन नहीं कर रहे। एडिशनल CMO RP दीक्षित ने बताया कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर हमारी और जनता की जिम्मेदारी बढ़ रही है। अमेठी में बुधवार देर शाम बड़ा हादसा सामने आया है। यहां सड़क पर जा रही एक CNG कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही गैस्केट फट गई और कार आग का गोला बन गया। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोग ने काफी मशक्कत के बाद एक एक कर 5 लोगों को बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। 5 लोगों को डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। खबर चंदौली से है जहां 7 मार्च को अंतिम चरण में जनपद चंदौली में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन कमर कस चुका है। लगातार जिले में भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट CO के नेतृत्व में पुलिस फोर्स एवं CRPF के जवानों के साथ आसपास संवेदनशील एरिया में भ्रमण किया गया, लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व CO के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि निर्भीक होकर मतदान करें, किसी के बहकावे में ना आए और जिस भी व्यक्ति द्वारा भ्रामक अफवाह फैलाई जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चंदौली में और जिसमें चकिया 383 विधानसभा क्षेत्र है उसमें 7वें चरण में मतदान
निर्धारित किए गए हैं। आज क्षेत्राधिकारी चकिया के साथ और थानाध्यक्ष चकिया के साथ एरिया डोमिनेशन मार्च किया जा रहा है और CRPF की जो फोर्स हमें मिली है इसका उद्देश्य यही है कि सभी बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लें, किसी तरह के डर या किसी तरह की किसी के मन में कोई संशय ना हो, सभी लोग बाहर आएँ और बिना किसी भय बिना किसी डर के मतदान में अपना हिस्सा लें। और ऐसी कोई बात हो जिससे किसी के मन में कोई समस्या हो तो तत्काल पुलिस और प्रशासन को अवगत कराएं, पुलिस और प्रशासन हमेशा उनके सेव। मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां के रानीपुर थाना अंतर्गत पलिया गांव में पति ने पत्नी को पारिवारिक विवाद के चलते कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। अपन घर से आए लड़किया गए ले सोए के कोई रिकल सोए के आए कपड़ा कचारत रहिए आए ल दो तीन जापर मशीनिया पर मल भगल फरुआ उठा के काट दिल। अच्छा, जो मरी है वो यहाँ की लड़की है? हाँ, यहाँ का लड़की है। अच्छा अच्छा, तो उनके पति आए थे क्या यहाँ पे? आज वे आए लो देखो कचारा ले कपड़ा अब वही जब मारे लगा भागल सड़किया पर आके गिर गए फरुआ उठा के। मतलब ये पहले से अपने मायके में रहती थी? हाँ, साल भर से ये कर धान दे रहा है। और उनका जो पति है आज आया है सुबह में? अब खिचड़िया के दिन आए लगा लड़किया लेकर 3 साल कर चल गए। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।